माई डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। टुडे विल बी स्टार्ट रीडिंग करेंगे आज हम बास से माँ तक। ओके, तो इसके पहले हमने रीडिंग किया था फा तक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बास से। बास से क्या होता है? बकरी। तो ये बकरी आपको दिख रही है, बास से बकरी। ओके, अब इसको रीडिंग करते हैं। बास से बकरी मैं करती, मीठा मीठा दूध भी देती। फिर से, बासे बकरी मैं करती, मीठा मीठा दूध भी देती। बासे भालू। बासे क्या होता है? बासे भालू। ये पिक्चर आप देख रहे हैं किसकी है? भालू की है ना। अब बासे भालू सबको भाता, मस्त होकर यह नाच दिखाता। क्या है? फिर से, बासे भालू सबको भाता, मस्त होकर यह नाच दिखाता। अब देखते हैं इधर सेकेंड पेज में, माँ से मछली। माँ से क्या होती है? माँ से मछली। मछली, माँ से मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। फिर से, माँ से मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। अब यह दिया गया अभ्यास वर्ग, नीचे दिए गए चित्रों से संबंधित अक्षर पर गोला लगाएं। तो ये क्या है? पासे पतंग। क्या होता है? पासे पतंग होता है ना, आ ई और पा। तो किस पे हमें गोला लगाना है? पा पे लगाना है। तो पा पे हम ऐसे गोला बनाएंगे। अब बकरी, अभी आपने यहाँ पे पढ़ा किससे होती बकरी? बास से होती। तो यहाँ पे हमें गोला किस पे करना है? बास पे। बास से बकरी, ना आ ना ई। आ ई से नहीं होती है, बास से होती है, इसलिए हमें पा पे सर्कल किया है। अब फास से फल। फल किससे होता है? फा से होता है, ना ऊ से होता है ना ई से होता है। तो हमें किस पे सर्कल करना है? फा पे। फा से फल। अब ये क्या है? अभी आपने ये पिक्चर्स में देखा था, क्या है? फा से भालू। तो यहाँ पे ये भी आपको दिख रहा है, भालू है ना। तो भा से भालू, तो भा पे हमें गोला बनाना है। ओके, तो आपको इस पहले रीडिंग करना है, जो हमने ये रीडिंग कराया है, उसके बाद आपको ये अपनी कॉपी में इसको राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी, बुक में इसको आप सर्कल बनाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।